बिहटा। बिहटा भारत के बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित एक नगर है। यह पटना का एक उपनगर है। बिहटा दानापुर अनुमंडल के पटना जिले का एक छोटा सा शहर है। इसे ग्रेटर पटना या न्यू पटना भी कहते हैं। बिहटा मनेर विधानसभा क्षेत्र और पाटलिपुत्रा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। यह पटना के 35 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो पटना जिला के पश्चिमी किनारे पर सोन नदी के पूरब 5 किलोमीटर, पनेर शरीफ के दक्षिण 10 किलोमीटर, विक्रम से उत्तर 15 किलोमीटर तथा सदिशोपुर से पश्चिम 5 किलोमीटर। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 30 तथा सचकीय उच्च पथ संख्या 2 पर हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन पर बिहटा रेलवे स्टेशन अवस्थित है। बिहटा के डुमरी में 220 132 33 KV पावर ग्रिड सब स्टेशन उपकेंद्र है, जहां अप्रैल 2019 में संचालन शुरू हुआ। लगभग 2,000 करोड़ रुपए की लागत से 20 किलोमीटर लंबी 4 लेन दानापुर शिवाला बिहटा एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। यह राजमार्ग 2022 तक पूरा हो जाएगा और पटना से दानापुर रेलवे स्टेशन और शिवाला चौक के माध्यम से आगामी सिविल एयरपोर्ट से जुड़ जाएगा। कुल 20 किलोमीटर लंबाई में से 17 किलोमीटर ऊंचा होगा। ऊंचा हिस्सा कन्हौली गांव के पास बिहटा सरमेरा रोड के जंक्शन पर समाप्त हो जाएगा। उस जंक्शन से सड़क बिहटा हवाई अड्डे को जोड़ने के अलावा बिहटा चौक तक जाएगी। इसे फिर से बिहटा चौक पर बढ़ाया जाएगा। बिहटा का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में श्री चंद्रिका सिंह, श्री गंगा शरण सिंह जैसे लोगों का योगदान रहा है। यहाँ के चीनी मिल का चीनी कभी पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ करता था और ये आसपास के किसानों के लिए नकदी फसल गन्ना का बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था, लेकिन सरकारी उदासीनता के कारण 1990 के आसपास चीनी मिल को बंद करना पड़ा और इस क्षेत्र से गन्ने की खेती लगभग विलुप्त प्राय हो गई है। पिछले 2 दशक से यहाँ किसान चीनी मिल के फिर से चालू होने की आशा में थे, लेकिन पिछले साल बिहार सरकार द्वारा चीनी मिल के पुराने भवन को तोड़कर उस जमीन पर एक शुष्क बंदरगाह का निर्माण कराया गया, जिसके कारण अब किसानों की यह आशा भी समाप्त हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। जैसे ही हवाई यातायात बढ़ता है और छोटे रनवे मुद्दे होते हैं, पटना हवाई अड्डे जिन्हें लोकनायक जयप्रकाश विमान क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र सरकार ने बिहार के राजधानी शहर बिहटा के बाहर सुविधा को स्थानांतरित करने का विचार किया। सरकार ने इसके लिए 126 एकड़ जमीन भी चिन्हित कर ली है। सगुना मोड़ से बिहटा तक 21 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। बिहटा एयरफोर्स स्टेशन का रनवे केवल 27,000 मीटर है, जो फाइटर प्लेन की ज़रूरत को तो पूरा कर सकता है, लेकिन बड़े पैसेंजरों या कार्गो प्लेन की ज़रूरत को नहीं। जब तक बिहटा एयरपोर्ट के रनवे को बढ़ाकर 4,000 मीटर या उससे अधिक नहीं किया जाता, उस पर जंबो जेट नहीं उतारे जा सकेंगे। बिहटा एयरफोर्स में मौजूदा रनवे की लंबाई 9,000 फीट थी। कुल 126 एकड़ जमीन में से 108 एकड़ अथॉरिटी को दी जाएगी और 18 एकड़ जमीन का उपयोग स्टेट हैंगर आदि के लिए राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। पहले फेज में 25 लाख क्षमता वाली टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण होगा। इसके बाद एयर ट्रैफिक बढ़ने पर टर्मिनल बिल्डिंग का विस्तार किया जाएगा। इसका रनवे कैटेगरी 2 का होगा। बिहटा एयरपोर्ट रनवे की लंबाई वर्तमान में 8,200 फीट है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने राज्य सरकार को 156 एकड़ जमीन का प्रस्ताव दिया था ताकि रनवे की लंबाई बढ़ाकर 12,000 फीट किया जा सके। बोइंग 747 जैसे विमानों के उतरने के लिए 12,000 फीट लंबा रनवे चाहिए। पटना एयरपोर्ट पर 2,072 मीटर लंबा रनवे आदर्श रूप में एयरबेस 320 और बोइंग 737 जैसे विमानों के लिए 33,000 मीटर की हवाई पट्टी चाहिए।
1400 करोड़ रुपए के व्यय पर प्रस्तावित बेटा एयरबेस और दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच 18.5 किलोमीटर 4 लेन अर्ध ऊंचा सड़क का निर्माण किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बीटा से शिवाला तक 113.5 किलोमीटर ऊंची 4 लेन वाली सड़क का निर्माण करेगा, जबकि शिवाला से दानापुर स्टेशन तक शेष 5 किलोमीटर की दूरी बिहार RCD द्वारा बनाई जाएगी। दानापुर शिवाला बेटा रोड के अलावा बेटा 2 और 4 लेन वाली सड़कों पटना बक्सर NH 30 और बेटा सरमेरा SH 78 से जुड़ी होगी। शैक्षणिक संस्थान IIT पटना का परिसर 501 एकड़ साइट पर ब्लॉक बेटा ब्लॉक के अमारा और दिलावरपुर गांवों के मानकों में स्थित है। बिहार सरकार ने बिहार के अमारा गांव में NIT पटना को 100 एकड़ भूमि आवंटित कर दी थी। केंद्रीय विद्यालय लोकसभापति मीरा कुमार ने एक कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नींव रखी। सितंबर 2009 बीटा में 500 बिस्तर ESIC अस्पताल और कॉलेज यहां 523 करोड़ में 25 एकड़ पर आ रहा है। 7 जुलाई 2018 को ESI मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया गया। 3 जून 2013 को केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बीटा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अस्थायी परिसर का आधारशिला रखा। रियल एस्टेट बूम पटना के 40 किलोमीटर पश्चिम में इस छोटे से शहर में भूमि की कीमत पिछले कुछ वर्षों में आसमान में उछाल आई है। इस क्षेत्र में कई परियोजनाओं के निर्माण के कारण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल और अन्य कुछ सालों में बीटा पटना के लिए होगी जो गुड़गांव नई दिल्ली में है। वर्तमान में शहरी इलाके में 30 से 35 लाख के बीच एक कट्ठा, साल पहले या शहरी 2 से 2.5 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में 25,000 से 50,000 के लिए उपलब्ध होती। पटना जिले के बीटा में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF मुख्यालय है और परीक्षण केंद्र की स्थापना के लिए 25 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है। रियल एस्टेट ने सेवानिर्मित अर्धसैनिक बलों के परिवार के लिए कॉलोनी बनाने के लिए पहाड़पुर गांव के पास भूमि अधिग्रहण की। मुख्य रूप से सुरक्षा संलग्न सदस्य निवासी के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं। लॉजिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पार्क उस स्थान पर बेटा में पूरी तरह कार्यात्मक है जहाँ चीनी मिल मौजूद थी। IIT विभाग के अधिकारियों की अगुवाई वाली एक टीम द्वारा कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य मध्य 2013 तक शुरू होगा। यह स्वामी सहजानंद सरस्वती आश्रम के लिए भी लोकप्रिय है। IIT पार्क बेटा में 25 एकड़ में IIT पार्क बनेगा। अक्टूबर 2018 में बिहार सरकार मेगा औद्योगिक पार्क के हिस्से के रूप में बेटा में IIT पार्क के लिए 33 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 38 करोड़ रुपये मंजूर किए। शैक्षणिक औद्योगिक के बाद अब रियल एस्टेट के क्षेत्र में हो रहे समावेशी विस्तार ने बेटा प्रखंड के 26 पंचायतों की खूबसूरती बढ़ा दी है। प्रमुख स्थल बेटा एयरफोर्स स्टेशन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, बाबा बीटेश्वर नाथ मंदिर, शुष्क बंदरगाह, स्वामी सहजानंद सरस्वती आश्रम, श्री गजाधराचार्य जनता महाविद्यालय, ठाकुर प्रसाद उच्च विद्यालय आदि। प्रमुख व्यक्ति श्री चंद्रिका सिंह कंचनपुर, श्री गंगा शरण सिंह कंचनपुर, श्री रामनाथ शर्मा अमारा। बेटा अपनी प्रगति के रास्ते पर चल रहा है और यह जल्द ही न्यू पटना के रूप में उभरेगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह के वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।